हाय फ्रेंड, चलिए आज हम ये कैप बनाने को बताएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा कैप बन के तैयार हुआ है मेरा। ये कैप मेरा 1 से 2 ईयर से ऊपर के भी बच्चे ये पहन सकते हैं। इसमें हम डबल क्रोशिया और पफ बना के पूरा बनाए हैं ये डिजाइन। इसे बनाने के लिए हमने 4 नंबर के क्रोशिया यूज किया है। आपके पास जो भी क्रोशिया उपलब्ध हो उससे आप बना सकते हैं ये। और 4 प्लाई के उलन से हम पूरा बनाए हैं ये। इसे बनाने में टोटल उलन मेरा 75 ग्राम उलन लगा है, यानी 75 ग्राम उलन लगा है पूरा। इसमें वाइट ज़्यादा लगा है और ये येलो कम लगा है। डिजाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डिजाइन कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम ये उंगलियों पे ऐसे पहले कर लेते हैं, ऐसे करके इस साइड ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके हम इसके नीचे से ये धागे को निकाल लेंगे। ऐसे निकाल के पहले हम ऐसे अब यहाँ पर हम 1 2 2 चेन कर लेते हैं। फंदे लेंगे हम, डबल क्रोशिया बनाएंगे तो डबल क्रोशिया ऐसे फंदे लेंगे, फिर से दो ऐसे डबल क्रोशिया हम पूरे राउंड में 18 बना लेते हैं, पूरा 18 बना लेते हैं राउंड में हम। ऐसा देखिए पूरा हम 18 बना लिए हैं, 18 पूरा राउंड में बना लिए हैं हम। अब ये धागा है इसे हम पहले ऐसे खींचेंगे कि बीच वाला सारा बैठ जाए। ऐसे तो ऐसे धागे खींच लेंगे हम। देखिए अब उसके बाद से ये फर्स्ट वाला है जो बनाए हैं उसमें ऊपर ऐसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करके यहाँ पर फिर से हम 1 2 फिर इसके बगल में हम फिर से बनाएंगे ऐसे 2 उसके बगल में 1 यहाँ पर 1 बनाएंगे, फिर इसके बगल में 2 बनाएंगे हम, यहाँ पे 2 बना लेंगे, फिर इसके बगल में 1 बनाएंगे ऐसे डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया हम ऐसे। तो ऐसे 1 2 1 2 करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं बना के। फिर यहाँ तक हम बना लिए हैं पूरा और फिर फर्स्ट वन में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करके ये हम कट करके निकाल ले रहे हैं, हम ऐसे कट करके निकाल लिए हैं। और ये पीछे वाला जो हम ऐसे खींच के बांधे हैं ऐसे और खींच ले रहे हैं, बराबर कर ले रहे हैं ऐसे। और ये दोनों हम एक में ऐसे बांध दे रहे हैं, ऐसे निकलेगा नहीं इसके लिए यहाँ पे ऐसे। ओके, और एक्स्ट्रा धागे को कट करके निकाल देंगे हम। देखिए उसके बाद से हम वाइट कलर से बनाएंगे यहाँ पे तो ऐसे, और कहीं से भी स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ ऐसे बांध लेंगे, पहले बांध के हम यहाँ पे ये पॉफ बनाएंगे तो धागे को खींच लेंगे और यहाँ पर 2 3 3 टाइम ऐसे बनाएंगे, फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल के बांध लेंगे हम। फिर यहाँ पर 1 चेन कर लेंगे, फिर सेम होल में ही और पफ बनाएंगे 1 2 3 ऐसे, फिर ऐसे हम निकालेंगे या बांध लेंगे। और बांध के फिर हम फंदे लेंगे और फंदे लेके इसमें हम 1 2 3 3 छोड़ेंगे डबल क्रोशिया, यहाँ 3 छोड़ के यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे सेम चीज़ें ऐसे 1 2 3 यहाँ पे ऐसे बांध लेंगे, फिर 1 चेन कर लेंगे मिडिल में और फिर यहाँ पे एक और बना लेंगे हम ऐसे 1 2 3 फिर यहाँ पर ऐसे फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें 1 2 3 फिर 3 छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर फिर से बनाएंगे सेम टू सेम बनाना है। 3 टाइम हम ऐसे निकाल रहे हैं, फिर ये बांध लेंगे, फिर 1 चेन करेंगे और फिर यहाँ पर एक और बना लेंगे हम ऐसे ही 3 ऐसे
तो पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करते हैं हम, थ्री थ्री छोड़ छोड़ के। देखिए पूरे राउंड में हम थ्री थ्री छोड़ छोड़ के बनाए हैं। यहाँ पर मेरा फोर बच गया है, इसलिए टू टू पे हम यहाँ पे दोनों साइड टू टू छूट जाएगा, यहाँ पे बना लेंगे ऐसे थ्री और फिर एक चेन मिडिल में और यहाँ पर ऐसे। और फिर हम यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर लेंगे। इसमें जॉइंट करने के बाद से अब हम यहाँ पे फिर से हम पफ बनाएंगे ऐसे, धागे खींचेंगे एक दो तीन, फिर यहाँ पर फिर एक चेन और इसमें फिर दो बना लेंगे जिसमें बनाए हैं सेम जगह पे, एक एक चेन मिडिल में है यहाँ पे दो पफ, फिर यहाँ बन गया, फिर फंदे लेंगे और ये मिडिल में है जो यहाँ पर एक पफ बनाएंगे हम, यहाँ पे ऐसे एक पफ बना लेंगे और फिर यहाँ पर दो पफ बनाएंगे, इसमें हम दो पफ बनाएंगे ऐसे एक दो तीन और एक चेन फिर मिडिल में करेंगे हम और फिर यहाँ पर एक दो तीन ऐसे दो दो के ऊपर दो दो बनाएंगे हम और मिडिल में जो जगह बचा है यहाँ पर हम एक एक पफ बना लेंगे ऐसे एक दो तीन, यहाँ पर एक पफ बना लेंगे ऐसे, फिर इसके बीच में दो बनाएंगे, मिडिल में एक एक चेन करते जाएंगे। तो हम ये राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं बना के। अब यहाँ तक बनने के बाद से हम फिर फर्स्ट वाले में हम ऐसे जॉइंट करेंगे और ये धागे कट करके निकाल लेते हैं। अब उसके बाद से फिर हम ये कलर लगाएंगे, तो ये लेंगे और जो दो दो बनाए हैं वहाँ पर एक दो चेन कर लेते हैं मान के और फिर यहाँ पे ऐसे जहाँ दो बनाए हैं वहाँ पर तीन बनाएंगे हम ऐसे डबल क्रोशिया और जहाँ पर एक बना है वहाँ पर हम दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक पास ऐसे एक पास दो बनाएंगे यहाँ पर तीन बनाएंगे और इधर दो बनाएंगे एक ये बनाए हैं बीच में उसके दोनों साइड दो दो बनाएंगे और मिडिल में ये दो बनाए हैं जहाँ पर वहाँ पर तीन बना लेंगे हम ये एक प्लस ऐसे। तो हम पूरा राउंड ऐसा कंप्लीट करते हैं बना के, जहाँ दो दो बनाए हैं वहाँ पर तीन तीन बनाना है, बाकी दो दो बनाना है। तो ऐसे हम बना लेते हैं पूरा, फिर पूरा राउंड ऐसा हम बना लिए हैं। देखिए एक में तीन और दो में दो दो बनाए हैं, एक में तीन और दो में दो दो बनाए हैं, यानी एक पर जो ये बनाए हैं पफ दो दो उसमें तीन बनाए हैं और बाकी दो बनाए हैं ऐसे। और फर्स्ट वाल में फिर हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे, इसे जॉइंट करके फिर से एक दो ऐसे चेन करेंगे और यहाँ पर अब हम दो बनाएंगे फिर एक बनाएंगे फिर एक बनाएंगे दो जगह एक एक बनाएंगे हम ऐसे और उसके बाद से फिर यहाँ पे दो बनाएंगे हम एक पास दो बनाएंगे ऐसे फिर उसके बाद से दो जगह हम एक एक बनाएंगे ऐसे एक और फिर एक और उसके बाद फिर इसके बगल में दो यहाँ पर अब दो बना लेंगे हम तो दो फिर एक एक फिर दो ऐसे एक एक और उसके बगल में फिर यहाँ पे दो ऐसे तो ऐसे ही बनेगा। फिर ये दो यहाँ बना लिए फिर यहाँ एक एक फिर यहाँ दो फिर एक एक फिर दो, यानी दो बार वन वन बनाना है फिर दो बना लेना है। तो ऐसे ही बनेगा। तो पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं बना के। फिर से ये टू लाइन हम बना लिए हैं। अब उसके बाद से हम फिर से यहाँ पे पफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे बनाना,
बांध लेंगे धागे को, खींचेंगे धागे को, पफ बनाएंगे यहाँ पे, दो तीन, फिर इसे बांध लेंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर सेम होल में ही फिर से एक और पफ बनाएंगे, एक दो तीन, फिर इसे ऐसे बांध लेंगे और फिर फंदे लेंगे हम आइस में। अब इसके ऊपर हम बनाए हैं तो इसे छोड़ देंगे, फिर एक दो तीन चार, फिर ये चौथा पर हम बनाएंगे ऐसे तीन छोड़ के, तो एक दो तीन ऐसे, फिर ये बांध लेंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर सेम जगह पे ऐसे एक दो तीन ऐसे, फिर ये जहाँ बनाए हैं ये छोड़ देंगे, फिर एक दो तीन चार, फिर ऐसे चार छोड़ेंगे, जैसे इधर हम छोड़े हैं इस पे बनाए हैं ये छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के चौथा पे बनाए हैं, वैसे ही ये छोड़ देंगे, फिर एक दो तीन छोड़ के ये चौथा पे हम बनाएंगे फिर से यहाँ पे, तो फंदे लेंगे और फिर यहाँ पर हम ऐसे एक दो तीन ऐसे, फिर एक चेन और एक दो तीन ऐसे, फिर फंदे लेंगे, फिर ये छोड़ देंगे, फिर एक दो तीन छोड़ के फिर चौथे पे ऐसे, यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे तीन ऐसे, और फिर एक चेन करेंगे और फिर सेम जगह पे एक और बना लेंगे, एक दो तीन ऐसे, ये थोड़ा झुकाव होते जाएगा, अब फिर ये छोड़ देंगे, फिर एक दो तीन चार, फिर इस पे हम फिर से बनाएंगे एक दो, तो ऐसे ही राउंड में पूरा बनेगा। तो हम बना ले रहे पहले पूरे राउंड में ऐसे बना लिए हैं हम, अब उसके बाद से ये जो फर्स्ट पफ बनाए हैं हम इसमें अब ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, ज्वाइंट करने के बाद से फिर धागे को खींचेंगे, फिर सेम जगह में ही हम ऐसे पफ बना लेंगे, फिर एक बार एक चेन कर लेंगे, फिर सेम जगह पे हम ऐसे एक दो तीन ऐसे इसमें बना लिए, फिर फंदे लेंगे और फिर ये दो दो बनाए हैं इसके बीच में फिर बनाना है हमें, तो यहाँ पे एक दो तीन ऐसे, फिर बांध लेंगे, फिर एक चेन कर लेंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन ऐसे, फिर फंदे लेंगे, फिर ये जो दो बनाए हैं एक पास इसके बीच में एक एक चेन की है जहाँ पे वहीं पे बनाना है हमें ये, दो तीन ऐसे, फिर एक चेन कर लेंगे और फिर सेम जगह पे ही हम फिर से बनाएंगे ऐसे, दो तीन ऐसे, ओके, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, ये दो दो जो बनाए हैं हम उसके बीच बीच में हमें बनाना है, जैसे यहाँ बनाए हम वैसे ही, तो पूरे हम ये सब के बीच बीच में हम बना ले रहे हैं, राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं। अब ये पूरा बनने के बाद से अब हम इसमें येलो कलर से बनाएंगे, तो ऐसे कहीं से भी स्टार्ट करेंगे हम बनाना, और एक दो चेन, और पूरे जितने बनाए हैं हम हर एक ये इसके बगल बगल में पूरा दो दो बनाएंगे, दो दो डबल क्रोशिया एक पास ऐसे पूरे पे दो दो ही ऐसे बनाएंगे हम, यहाँ भी दो, फिर यहाँ भी दो ऐसे पूरे में दो दो बनेगा हर एक पफ के बगल में दो डबल क्रोशे एक पास ऐसे, तो पूरा राउंड हम ऐसा कंप्लीट करते हैं बना के, ऐसे पूरा फिर बना लिए हैं। अब उसके बाद से फिर से हम यहाँ जॉइंट करके और फिर एक दो ऐसे, फिर जितना बनाए हैं सबके ऊपर एक एक हमें बनाना है ऐसे, क्योंकि अब बराबर इधर चलेगा इसलिए ये पूरे के ऊपर एक एक हम डबल क्रोशिया
से बनाएंगे। तो जितना बनाए हैं सब पे ऐसे एक एक डबल क्रोशिया हम ऐसे बना ले रहे हैं पूरा। फिर से ये दो लाइट कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद से फिर से हमें सेम पफ जैसा बनाए वैसे ही बनाना है। तो ये पफ जो बनाए हैं इसके सामने हमें ऐसे यहाँ पर पफ बना लेंगे हम, तीन बांध लेंगे, फिर एक चेन कर लेंगे, फिर सेम होल में ही फिर से एक दो तीन ऐसे फिर बांध लेंगे, फंदे लेंगे और फिर अब यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर इसके सामने ये पफ के सामने पड़ेगा तो बीच में चार छूट रहा है, एक दो तीन चार, फोर पफ छूट रहा है, वो डबल क्रोशिया छूट रहा है ऐसे। फिर यहाँ पर पफ बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर एक और फोर फोर डबल क्रोशिया छोड़ के बनाना है पफ, फिर इसमें एक दो तीन चार छोड़ेंगे तो फिर इसके सामने आ जाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो हम ऐसे ही चार चार छोड़ छोड़ के पूरे राउंड में सबके सामने हमें बना लेंगे, जो बनाए हैं उसके सामने सामने हमें बनाना है। तो पूरा हर एक के सामने ऐसे बना लेंगे पूरा पूरा। उसके बाद फिर दूसरा भी सेम जैसा बनाए हैं बीच बीच में वैसे बनाना है, बीच बीच में एक एक चेन करना है। फिर उसके बाद से जैसे दो दो बनाए हैं ये पूरा इसके ऊपर येलो कलर ऐसे तो टू लाइन येलो बना लेंगे, पहले पूरे के बीच बीच में दो दो येलो बना लेंगे और उसके बाद से फिर पूरे के ऊपर एक एक बनाएंगे। तो हम अपने साइज़ का पूरा बना लेते हैं और उसके बाद आगे दिखाएंगे। देखिए हमने अपने साइज़ का पूरा ये बना लिया है पूरा पूरा। देखिए यहाँ से पूरा बराबर यहाँ तक बनाए हैं हम पूरा। अब यहाँ तक हम दो लाइन बना लिए हैं ये। अब इसके बाद आपको और चौड़ा ये करना हो तो कर सकते हैं इतना चौड़ा। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे लेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, फंदे ले लेके पूरे में ऐसे सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो हम पूरे में ऐसे राउंड में बना के कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए मेरा कैप बन के तैयार है। ये डिजाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।